देखो यहाँ की पर प्रांत की जो वोट रहती है वो उड़िया हो, आंध्र की हो, बंगाली हो, राजस्थान की हो और उत्तर भारत की हो, ये सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। इस बार भी हम लोग जो यहाँ घूम के अनुभव कर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर भरोसा करके यहाँ की जनता फिर एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देने वाला है। कुछ लोगों के सामने झूठे वादा करके माहौल को बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। जो लोग गुजरात की विकास में बाधक बने थे, नर्मदा जी की पानी गुजरात में ना आए उसकी षड्यंत्र किए थे, गुजरात की छवि को दुनिया में खराब करने की कोशिश किए थे, वे लोग दूसरे दल के नाम पे फिर आ गए हैं। ये सबको गुजरात की जनता नाकार देगी, विशेष करके हमारी पर प्रांत की वोटर्स जो सूरत में प्रमुख होते हैं वो लोग सब उनको नाकार देंगे, बीजेपी जीतेगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। आम आदमी पार्टी कहीं सरकार बनाने का दावा भी कर रही है, क्या कहा? देखो, कोई मुंगेरी लाल की हसीन सपने को देखने में कौन क्या मना कर सकता है, इतने सुनहरी सपने के लिए उनके पास समय नहीं बचा है। ये झूठे लोगों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, धोखा देने वाले लोगों की पार्टी है। देखिए, उड़िया भाई बहनों के बीच में मैं पिछले 3 दशक से यहाँ आता हूँ। कांग्रेस उड़ीसा में लंबे समय तक शासन में रहा भी, अगर उड़ीसा में वो काम की व्यवस्था करते तो यहाँ आना पड़ता क्या? जो लोग खुद गुनहगार है उड़िया लोगों को पीछे रखने के लिए, ये लोग फिर यहाँ आके घड़ियाली आंसू ना बहाए। उनकी अनेक राज्यों में भी राज रही, वहां क्या स्थिति है वो भी देखने की आवश्यकता है। देखो, यहाँ की पर प्रांत की जो वोट रहती है वो उड़िया हो, आंध्र की हो, बंगाली हो, राजस्थान की हो और उत्तर भारत की हो, ये सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। इस बार भी हम लोग जो यहाँ घूम के अनुभव कर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर भरोसा करके यहाँ की जनता फिर एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देने वाला है। कुछ लोगों के सामने झूठे वादा करके माहौल को बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। जो लोग गुजरात की विकास में बाधक बने थे, नर्मदा जी की पानी गुजरात में ना आए उसकी षड्यंत्र किए थे, गुजरात की छवि को दुनिया में खराब करने की कोशिश किए थे, वे लोग दूसरे दल के नाम पे फिर आ गए हैं। ये सबको गुजरात की जनता नाकार देगी, विशेष करके हमारी पर प्रांत की वोटर्स जो सूरत में प्रमुख होते हैं वो लोग सब उनको नाकार देंगे, बीजेपी जीतेगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। आम आदमी पार्टी कहीं सरकार बनाने का दावा भी कर रही है, क्या कहा? देखो, कोई मुंगेरी लाल की हसीन सपने को देखने में कौन क्या मना कर सकता है, इतने सुनहरी सपने के लिए उनके पास समय नहीं बचा है। ये झूठे लोगों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, धोखा देने वाले लोगों की पार्टी है। देखिए, उड़िया भाई बहनों के बीच में मैं पिछले 3 दशक से यहाँ आता हूँ। कांग्रेस उड़ीसा में लंबे समय तक शासन में रहा भी, अगर उड़ीसा में वो काम की व्यवस्था करते तो यहाँ आना पड़ता क्या? जो लोग खुद गुनहगार है उड़िया लोगों को पीछे रखने के लिए, ये लोग फिर यहाँ आके घड़ियाली आंसू ना बहाए। उनकी अनेक राज्यों में भी राज रही, वहां क्या स्थिति है वो भी देखने की आवश्यकता है।